हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है संकल्प एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू भी रख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को सभी को पता चल ही गया है कि विज्ञान सब्जेक्ट की शुरुआत हो चुकी है और इसमें आपको पोषक पदार्थ पढ़ाए जा रहे हैं। पोषक पदार्थ में आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के टॉपिक बताए जा चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के बारे में आपको, जिन लोगों ने, विद्यार्थियों ने नहीं देखा है, उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये इनकी लिंक प्रोवाइड करा दी जाएंगी। आप लोग उनको देख लीजिए तथा अपने नोट्स बना लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अगले पोषक पदार्थों के बारे में, वसा और जल के बारे में। तो आइए देखते हैं वसा के बारे में। वसा को बोलते हैं, लिपिड भी बोलते हैं वसा को। वसा है क्या? वसा सुगंधित होती है, एस्टर होती है। वसा हमारी ग्लिसरॉल और वसी अम्लों का एक एस्टर है। ग्लिसरॉल और वसी अम्लों का एक एस्टर है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन विभिन्न मात्राओं में होते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन अधिक मात्रा में होते हैं जबकि ऑक्सीजन कम मात्रा में होते हैं। एकमात्र यही रीजन है कि इसीलिए वसा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वसा जल में विलय नहीं हो पाती है। इसीलिए यह सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, पेट्रोलियम, अल्कोहल, एसीटोन, ईथर, केरोसिन, इन्हीं विलय पदार्थों में ये घुलती है, इन्हीं विलायकों में ये विलय है। वसा कि जो वसी अम्ल और ग्लिसरॉल होते हैं उनके बीच में एक एस्टर बंध बनता है। आपको कार्बोहाइड्रेट में बताया गया था कि कार्बोहाइड्रेट में आपका बंध जो बनता था वो आपका बनता था ग्लाइकोसिडिक बंध। इसके अलावा आपको प्रोटीन का बंध जो बनता था वो प्रोटीन का बंध कौन सा था? पेप्टाइड बंध। वसा में कौन सा बंध बनता है? वो बनता है आपका एस्टर बंध। वसा में बनता है एस्टर बंध। ग्लाइकोसिडिक किसमें बनता है? हमारा कार्बोहाइड्रेट में। पेप्टाइड हमारा बनता है प्रोटीन में और एस्टर बनता है हमारा वसा में। तो ये इनके द्वारा ही बनाए जाते हैं। वसा में क्या है कि 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण के पूर्ण ऑक्सीकरण से 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। 9.3 किलो कैलोरी बोले या फिर हम इसको 38 किलो जूल भी बोल सकते हैं, इतनी ऊर्जा इसमें उत्पन्न होती है 9.3। जबकि कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है 4.2 किलो कैलोरी, ये होती है कार्बोहाइड्रेट से। जबकि प्रोटीन के 1 ग्राम ऑक्सीकरण से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है और वसा के 1 ग्राम ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी, यानी हम ऑलमोस्ट कह सकते हैं दुगनी कार्बोहाइड्रेट से दुगनी स्पीड में ऊर्जा उत्पन्न करता है। वसा क्या है? वसा का काम भी एक ऊर्जा उत्पन्न करने का काम है, लेकिन वसा हर व्यक्ति के शरीर में विभिन्न मात्रा में उपस्थित होती है और ऊर्जा उत्पन्न करती है। वसा क्या है कि एक सामान्य व्यक्ति को 20-30% ऊर्जा जो होती है वो वसा से उत्पन्न होती है, जबकि कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा आपको पहले ही बता चुके हैं वो होती है 50-75% ऊर्जा। वसा में क्या है? वसा हमारी रुधिर में वसा का जो संश्लेषण होता है या संचरण होता है वो हमारी लाइपोप्रोटीन के द्वारा होता है। ये आपको पिछले वीडियो प्रोटीन के वीडियो में आपको बताया जा चुका है। ये आप प्रोटीन वसा के बारे में अगर हम देखेंगे कि कितने वसा कितने प्रकार की होती है, तो आइए देखते हैं वसा के प्रकार और उसके रासायनिक संयोजन के आधार पर उसको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे वसा कितने प्रकार की है। वसा की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, सरल लिपिड, संयुक्त लिपिड और व्युत्पन्न लिपिड। सरल सिंपल लिपिड, संयुक्त कंबाइंड और व्युत्पन्न डिराइव्ड लिपिड्स। सरल लिपिड्स क्या है? वसा की सबसे सरल, शुद्ध और सूक्ष्म अवस्था है, ये है सरल लिपिड। सरल लिपिड क्या है? प्रत्येक अणु का इसमें संश्लेषण ग्लिसरॉल के 1 वसी अम्ल और 1 वसी अम्ल और 1 ग्लिसरॉल का अणु ईस्टर बंधों द्वारा जुड़ जाता है और ईस्टर बंधों द्वारा जुड़ने की वजह से ये इसको बोला जाता है ट्राइग्लिसराइड। ये ट्राइग्लिसराइड याद रखिएगा, ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो सरल लिपिड्स के अंतर्गत आता है। वसा ये 2 प्रकार का हो जाता है हमारा, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा
यहां पर संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा को समझने से पहले आप लोग ये समझ लीजिए, हम लोग अगर देखेंगे तो वसा अलग अलग पदार्थों में अलग अलग पाई जाती है। जीवों में अलग पदार्थ होती है, जंतु वसा होती है, पादपों में अलग वसा होती है। तो कुछ ऐसी वसा होती हैं जो हमारी जम जाती हैं, कुछ ऐसी वसा होती है जो हमारी नहीं जमती हैं, कुछ ऐसी वसा भी होती हैं जो थोड़ी सी ठोस होती है, अर्ध ठोस जिन्हें हम कहते हैं। तो वसा में इनमें डिफरेंस कई प्रकार का होता है। तो वसा अगर देखी जाएगा तो अधिकांश पादप वसाएं, ज्यादातर मोस्टली जो भी है पादप वसाएं जो होती हैं, जो हमें पौधों से प्राप्त होती हैं, जो वसाएं जैसे कि मूंगफली है, तिल है, सरसों है, बिनोला है, सूरजमुखी है, मकई है, इनकी जो पादप वसाएं हैं ये सभी असंतृप्त होती हैं। असंतृप्त हम डिफरेंस कैसे करेंगे, असंतृप्त होता क्या है कि एक्चुअली होता यह है कि वसी अम्लों में दोहरा हाइड्रोजन आबंध हो जाता है। दोहरा हाइड्रोजन आबंध होने के कारण ये जमती नहीं है, ये नॉर्मल अवस्था में ये तरल होती है। तो असंतृप्त वसा जो होती है वो तरल अवस्था में होती है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है इनका गलनांक जो होता है कम होता है। ये पेपरों में पूछा जाता है कि किस वसा का गलनांक सबसे कम होता है या फिर कौन सी वसा का गलनांक कम होता है, तो असंतृप्त वसा या संतृप्त वसा, तो आंसर होता है हमारा असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा का गलनांक कम होता है। इनमें अलग से हाइड्रोजन मिलाकर जो पादप वसाएं हैं, पादप वसाओं में हम अलग से जब हाइड्रोजन मिलाकर वनस्पति घी या वेजिटेबल घी बनाया जाता है। ये आप लोगों ने अपनी पुरानी पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी होगा कि वनस्पति घी बनाने के लिए हम लोग उसमें हाइड्रोजन को मिलाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर जंतुओं में देखेंगे तो जंतुओं में मछली का तेल, ये तो देखो ज्यादातर पादप वसाएं जो हैं वो पादप वसाएं जो आती हैं वो हमारी असंतृप्त वसा के अंतर्गत आती हैं। लेकिन एक जंतुओं में अगर देखेंगे तो मछली का तेल भी जमता नहीं है, वो भी लिक्विड में ही रहता है। मछली का तेल आंखों के लिए उपयोगी भी होता है, कॉड लीवर बोलते हैं इसको, और मछली का तेल ये असंतृप्त वसा का उदाहरण है। आइए देखते हैं संतृप्त वसा के बारे में। संतृप्त वसा में जो अब अधिकांश पादप वसाएं जो थी वो हमारी थी असंतृप्त वसा। लेकिन अधिकांश जंतु वसाएं जो हमें जंतुओं से प्राप्त होती, जैसे दूध, तो दूध से प्राप्त होता, दूध से हम घी बना लें, मक्खन बना लें, तो ये सभी चीजें जो आएंगी हमारी ये जंतु वसाओं में आएंगी। घी है, चर्बी है, गाय के दूध और जैसे सुअर की चर्बी हुआ, ये और जंतुओं की चर्बी हुई, मक्खन प्राप्त होता है, ये सभी संतृप्त वसा में आता है। इसके अतिरिक्त अगर हम पादपों में देखेंगे तो पादपों में अगर आप देखोगे तो नारियल का तेल और ताड़ का तेल, नारियल का तेल जैसे कोकोनट ऑयल और ताड़ का तेल यानी पाम ऑयल, ये नारियल का तेल ये जम जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब वातावरण ठंडा होता है, वातावरण में टेम्परेचर डाउन होता चला जाता है, तो ये ठोस होते चले जाते हैं और या अर्ध ठोस हो जाते हैं, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये इनका ये भी लिक्विड में हो जाते हैं। लेकिन मोस्टली अगर वातावरण टेम्परेचर अधिक कम है तो ये जम जाएंगे। तो इनका गलनांक जो होता है अधिक होता है, इसी वजह से इनको गलनांक किसे कहते हैं। गलनांक आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनी प्रीवियस कक्षाओं में कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए, जहां पे कोई सॉलिड मटेरियल जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाए, वो आपका होता है गलन यानी गलना। और यहीं पर अगर हो जाए वो निश्चित अंक बोलते हैं निश्चित उस परफेक्ट पॉइंट को, तो जिस निश्चित ताप पे कोई ठोस गलन में या द्रव में बदल जाए तो वो होता है हमारा गलनांक। तो सभी पदार्थों का गलनांक अलग अलग होता है। संतृप्त वसा में देखेंगे तो संतृप्त वसा में भी पदार्थों का गलनांक अधिक होता है, जिस कारण ये सामान्य ताप पर स्नेही को बोलते हैं ग्रीस। ग्रीस आपने देखा होगा, ग्रीस ना तो लिक्विड होती है और ना ही ठोस होती है, वो स्नेही बोली जाती है, चिकनाहट होती है उसमें, तो ग्रीसी अवस्था में बने रहते हैं। और किंतु वातावरण ठंडा होने पर ये ठोस या अर्ध ठोस हो जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा नारियल का तेल, वातावरण टेम्परेचर कम होता है तो वो ठोस, और कम हो जाता है तो और अधिक ठोस हो जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे तो अर्ध ठोस होने के बाद वातावरण में अगर साउथ में अगर आप देखोगे, साउथ इंडिया में ज्यादातर जो खाने बनते हैं उनमें नारियल का तेल डाला जाता है,
और जो विदेशों में है जहां पे हमें ये सरसों का और ये सब चीजें प्राप्त नहीं हो पाती हैं, तो ऐसे तेलों में वहां पे लोग पाम ऑयल का यूज करते हैं, वहां की सब्जियां पाम ऑयल की बनती हैं। एक बात और यहां पर बताने योग्य है, संतृप्त वसा का अधिक उपयोग नहीं किया करना चाहिए। संतृप्त वसा होता है कि जंतुओं से प्राप्त होने वाली जो वसा होती है वो संतृप्त वसा होती है। संतृप्त वसा अधिकांश मनुष्य के लिए अधिक अगर उसका उपयोग करते ही जाएंगे तो मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक बनती चली जाती है। संतृप्त वसा क्या करती है, ये हमारे शरीर में त्वचा के नीचे उपस्थित होती है, हमारी चर्बी को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर स्थूल होने लगता है। तो ये संतृप्त वसा बहुत नुकसानदायक भी हो जाती है अगर इसका उपयोग अधिक मात्रा में हम लोग करते हैं। संतृप्त वसा के भोजन में लगातार अधिकता से एथ्रोस्क्लीरोसिस रोग हो जाता है। ये एथ्रोस्क्लीरोसिस रोग क्या है, होता क्या है कि एथ्रोस्क्लीरोसिस रोग ये हृदय संबंधित है। जब हम लोग ज़्यादा घी और मक्खन और ये सब चीज़ें अधिक मात्रा में लेते हैं, प्राचीन जमाने में अगर देखा जाए तो उस समय प्राचीन समय में क्या होता था, लोग ऐसे होते थे तो जो अधिकांश मेहनत करके अपने जो घी और ये सब जो भोज्य पदार्थ खाते थे तो वो उनको पचाने के उनके सामर्थ्य होता था। किंतु वर्तमान समय में ऐसा खान पान हो गया है कि जिसकी वजह से ये चीज़ें अधिक नहीं पच पाती हैं, तो जिसकी वजह से ये हमारी त्वचा में उपस्थित बनी ही रहती हैं। तो इनका प्रयोग अधिक करने से, घी और मक्खन और ये सब चीज़ों का प्रयोग अधिक करने से, ये जंतु वसाओं का प्रयोग अधिक करने से हमारे हृदय पर इनकी परत जमने लगती हैं। और रक्त हृदय की परत जब जमने लगेगी तो आप लोग जानते हो कि मनुष्य के शरीर में हृदय या जीवों के शरीर में हृदय का काम क्या है, स्तनधारियों में हृदय का काम जो होता है वो होता है रक्त का संचरण करना, रक्त को शुद्ध करने का काम भी करता है, रक्त का संचरण पूरी बॉडी में करता है। और जब ये रक्त का संचरण कहाँ से होगा, जब धमनी और सिराएं निकलेंगी, तो धमनी और सिराओं के निकलने में इनमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है, यानी कि जो हमारी रुधिर की नलियाँ होती हैं, रुधिर वाहिनियाँ होती हैं, उनमें इसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है। और अवरोध उत्पन्न हो गई, सीधी सी बात है, आप कोई पाइप लगा के सीधे निकाल रहे हो और वहीं पर सामने अगर आपने दीवार खड़ी कर दी या फिर उसमें एक अवरोध उत्पन्न कर दिया तो वो पानी जो है उसका रिस कर जाएगा। ऐसे ही सेम हमारे हार्ट से है, हार्ट में अब वो चीज रिस कर धीरे धीरे जाती है। और ऐसी अवस्था में जब एक समय उम्र ज़्यादा होती चली जाती है तो व्यक्ति के शरीर में वो रक्त का संचरण भी नहीं हो पाता है, और रक्त का संचरण नहीं हो पाता है तो ऐसे समय में व्यक्ति को हार्ट अटैक की समस्या बढ़ जाती है। ये सभी चीज़ें हार्ट अटैक, हृदय रोग से संबंधित रोग होता है, एथ्रोस्क्लेरोसिस रोग हो जाता है। नेक्स्ट है वसा का उपयोग, इसके अतिरिक्त हम लोग साबुनीकरण क्रिया में करते हैं। यह आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा साबुनीकरण, साबुन आप लोग देखते हो कि बाजार में विभिन्न कॉस्मेटिक पदार्थों में साबुन सोप मिलते हैं, तो ये सोप क्या है, ये साबुन जो है तनु कास्टिक सोडा। अगर कपड़े धोने का साबुन है डिटर्जेंट है तो उसमें आपका कास्टिक सोडा मिला होगा, और नहाने का साबुन जो होता है उसमें आपका कास्टिक पोटास जो होता है नहाने का होता है, ये सौम्य होता है, तो इसमें KOH होता है, और जबकि कपड़े धोने के साबुन में आपका होता है NaOH। इनके द्वारा क्या किया जाता है, वसाओं का जल अपघटन किया जाता है। जल अपघटन करने से इसमें ग्लिसरॉल अलग हो जाता है, इसका चिकनाहट अलग हो जाती है, और इसको पदार्थ को मिला दिया जाता है, और यही ग्लिसरॉल का साथ में साबुन के रूप में ये वसी अम्ल सोडियम या पोटेशियम लवण बन जाते हैं, इन्हीं को वसाओं का साबुनीकरण कहते हैं। अब बाद में अगर हम देखते हैं तो इनमें जैसे कि कोई साबुन आपका हरा है, कोई पीला है, नीला है, तो अलग अलग साबुनों में इनका फ्लेवर अलग अलग मिलाया जाता है, किसी को ठंडा करने के लिए उसमें पिपरमेंट मिलाया जाता है, ये अलग अलग पदार्थ है। लेकिन मोस्टली जो साबुनीकरण की क्रिया है वो आपकी आती है कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटास के वसी अम्लों से और ग्लिसरॉल से मिलने से ही बनती है, ये क्रिया आपकी बनती है। नेक्स्ट है यहाँ पे इस पॉइंट को याद रखिएगा, वसा और तेल में अंतर क्या है। एक्चुअली वसा में क्या है कि वसा नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं जमती, लेकिन अगर वसा सामान्यतः 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठोस अवस्था में होती है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, कमरे का टेम्परेचर जो होता है सामान्य रूप से कमरे का टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठोस अवस्था में होती है, परंतु यदि इस ताप पर वो द्रव अवस्था में हो, वसा अगर इस ताप पर यदि द्रव अवस्था में हो तो इसको हम लोग तेल कहते हैं। तो इसको तेल क्या है, तेल हमारा नहीं जमता है जबकि वसा हमारी जम जाती है, इसको हम लोग तेल कहें। तो आइए अब देखते हैं दूसरी वसा के बारे में, वसा की दूसरी श्रेणी होती है संयुक्त लिपिड्स के बारे में। तो संयुक्त लिपिड्स के बारे में आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, संयुक्त लिपिड्स क्या है, संयुक्त लिपिड, कंबाइंड लिपिड, संयुक्त लिपिड
अगर हम लोगों की सरल वसा जो थी, सरल वसा में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, लेकिन संयुक्त रिपीट में इसमें क्या होता है, कुछ और अन्य बाहरी पदार्थ भी मिल जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन भी मिल जाता है, अल्कोहल भी मिल जाते हैं। तो संयुक्त लिपिड वसी अम्लों, अल्कोहलों और अन्य पदार्थों से मिलकर बने यौगिक होते हैं। मुख्य रूप से संरचनात्मक लिपिड्स होते हैं जो जीव अंगों की झिल्ली, हमारे शरीर में विभिन्न हमारे शरीर के अन्य अंगों में झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है, जैसे कि मस्तिष्क की झिल्ली होती है अलग, हृदय की झिल्ली होती है अलग, फेफड़ों की झिल्ली होती है अलग, जैसे फेफड़ों की प्लूरा झिल्ली है, मस्तिष्क की मेनिनजाइटिस झिल्ली है, सभी कोशिकाओं की झिल्लियां अलग होती हैं। तो जो भी झिल्ली होती है संरचनाओं में, उनमें ये मुख्य रूप से भाग लेते हैं और इनको ये बनाने का कार्य करते भी हैं। ये इसके प्रमुख वसी पदार्थ जो संयुक्त लिपिड्स के अंतर्गत जो प्रमुख वसी पदार्थ आते हैं, वो आपके आते हैं फास्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, मोम यानी वैक्स और लाइपोप्रोटीन। देखिए लाइपोप्रोटीन फिर देखने को मिलेगा आपको, लाइपोप्रोटीन। तो लाइपोप्रोटीन जो आता है वो संयुक्त लिपिड्स के अंतर्गत आता है। होता क्या है एक्चुअली में फास्फोलिपिड्स, क्या है फास्फोलिपिड्स, हमारे शरीर की कोशिका कला या कोशिका भित्ति को बनाने में की जो झिल्लियां होती हैं उनको बनाने में ये मदद करता है। और ग्लाइकोलिपिड्स जो होता है ये भी हमारे शरीर में कोशिका कला की बाहरी दीवार को बनाने, बाहरी संरचना को बनाने में मदद करता है। मोम क्या है, मोम यानी वैक्स। वैक्स जो भी ज्यादातर बाहरी पदार्थ होते हैं, जैसे जो फल हैं हमारे, इन फलों में या जीवों की या कीटों के जो फर होते हैं, ऊन होते हैं, इनमें जो ऊपरी संरचना जो इनकी जल रोधक संरचना बनाई जाती है, एक जलयुक्त संरचना होती है, वो जलयुक्त संरचना मोम के रूप में दिखाई देती है हमारी, ये बालों में, खुरों में और इनमें कीटों के फरों में और इन सभी के फलों में, सेब है, नाशपाती है, इनमें ये संरचना बाहरी रूप से हमें ये देखने को मिलती है। ये संरचना जो उनकी झिल्ली बनाती है ये संरचना मोम कहलाती है, ये मोम की ही बनी होती है। लाइपोप्रोटीन, इसके बारे में तो आप लोग जान ही गए होंगे। लाइपोप्रोटीन क्या है, हमारे शरीर में रुधिर में जो वसा, रुधिर में वसा का संचरण जो होता है वो लाइपोप्रोटीन के रूप में ही होता है। यही रुधिर में वसा का संचरण होकर वसा युक्त भोजन हमारे शरीर में पहुंचता है, त्वचा में उपस्थित होता है। वसा के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा, वसा अगर हमारे शरीर में स्थित हो, अगर अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो व्यक्ति आलसी हो जाता है, स्थूल हो जाता है, ठीक, उसके शरीर में चर्बी जमा अधिक होने लगती है। और जबकि वसा अगर कम हो तो व्यक्ति दुबला पतला हो जाता है, रूखा हो जाता है, उसकी त्वचा रूखी होने की वजह से उसको काफ़ी रोग भी घेर सकते हैं। तो वसा की अधिकता भी बहुत नुकसानदायक होती है और कमी भी नुकसानदायक होती है, अति तो हर चीज़ की ही इसमें खराब होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग व्युत्पन्न लिपिड्स के बारे में। तो ऐसे यौगिक जो शरीर में उपापचय के दौरान, उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म के दौरान बनने वाले विविध पदार्थों से उत्पन्न होते हैं, इनमें वसी अम्ल नहीं होता। हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म की जो भी क्रियाएं होती हैं, उन मेटाबॉलिज्म की क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले जो वसी पदार्थ होते हैं वो हमारे कहलाते हैं व्युत्पन्न लिपिड्स, इनमें वसी अम्ल नहीं होता है। ये मनुष्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला व्युत्पन्न लिपिड जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल, तो क्या है कोलेस्ट्रॉल, आप लोग सभी लोग जानते होंगे, नाम सुना होगा, टीवी पे एड्स आते हैं रिफाइंड ऑयल के बारे में। तो ये सब कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, अभी आपको रिफाइंड के बारे में भी बताएंगे। तो कोलेस्ट्रॉल है क्या, कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में उपस्थित एक वसी पदार्थ ऐसा होता है जो शरीर का लगभग 80%, हमारे शरीर में 80% जो है कोलेस्ट्रॉल पहले से ही निर्मित होता है, और 20% हमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमें बाहर से, बाहरी स्रोतों के भोजन के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में वसायुक्त भोजन को बनाता है। कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा हो जाने पर व्यक्ति को काफ़ी सारे हृदय रोग घेरते हैं। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होने से व्यक्ति को किडनी पर भी प्रभाव पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा होने से उसकी आँखों पर भी अधिक प्रभाव पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा होने से उसके व्यक्ति के लीवर पर भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। ये सब होता कैसे है, कोलेस्ट्रॉल क्या है कि कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा के अंतर्गत आता है, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से व्यक्ति के शरीर में, हृदय में एक बाहरी परत जम जाती है, जिसकी वजह से रुधिर वाहिनियों में
रुधिर निकलना दुष्कर हो जाता है, इसी वजह से रुधिर रुक रुक कर निकलता है। ऐसी स्थिति में जब एक फ्लुएंस में नहीं निकलता है तो व्यक्ति को हार्ट अटैक की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये होता क्यों, ये कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से होता है और हम लोग ऐसे भोजन करते हैं, ऐसी वसा को भोजन लेते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होती है। तो कोलेस्ट्रॉल होता है, सर्वप्रथम कोलेस्ट्रॉल को विनलैंड नामक वैज्ञानिक ने देखा था, विनलैंड नामक वैज्ञानिक ने इसमें देखा था। नेक्स्ट है, एक वयस्क व्यक्ति में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर, कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है वो सामान्य स्तर के रूप में 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है, इतनी मात्रा होनी चाहिए। यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है वो घनत्व के आधार पर दो तरीके से देखी जाती है, एक होती है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे हम लोग LDL कहते हैं, यानी कि लघु घनत्व लाइपोप्रोटीन, और एक होती है हमारी HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो यहाँ पे दो तरीके की कोलेस्ट्रॉल की मात्राएं होती हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा LDL और HDL में अंतर क्या है, HDL एक आदर्श अवस्था होती है, HDL नॉर्मली 40 से 50 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर अगर होता है तो ये चीज एक आदर्श अवस्था है। यहां पर अगर व्यक्ति के शरीर में 200 से अगर 240 तक का 200 से 240 mg प्रति dl अगर बढ़ जाता है कोलेस्ट्रॉल होता है तो व्यक्ति के नुकसानदायक नहीं है, ज्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन अगर 240 के ऊपर निकल गया कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, ये कोलेस्ट्रॉल चेक कराया जाता है हृदय रोग से संबंधित जांचों में कोलेस्ट्रॉल की जांच होती है, तो अगर 240 के ऊपर निकल जाता है तो व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है, हृदय रोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और यदि ये 200 से कम होता है तो कुल LDL की जो मात्रा है वो LDL की मात्रा 100 तक की रहे तो वो एक आदर्श है, आदर्श दशा वाली है। लेकिन अगर 100 से 190 तक है तो वहाँ पे खतरा बढ़ने की आशंकाएं बढ़ जाती है। तो कुल मिला के ये सभी कोलेस्ट्रॉल पे निर्भर करता है। रिफाइंड क्या है, इसलिए जंतु वसा का उपयोग कम हो इसलिए डॉक्टर लोग सलाह देते हैं रिफाइंड ऑयल की। ये एक ऐसे पदार्थ होते हैं, ये बहुत संतृप्त होते हैं और इसमें पदार्थों में ये तेल पदार्थ होते हैं और ये इनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को शरीर में नहीं बढ़ने देते हैं, जिससे कि व्यक्ति का शरीर में हृदय रोग की संभावनाएं कम होती है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा वसा के बारे में, तो ये वसा का टॉपिक हम लोग यहीं पर इस जगह पर विराम देते हैं। नेक्स्ट पोषक पदार्थ हम लोग देखेंगे जल के बारे में। तो आइए देखेंगे हम लोग जल के बारे में, जल क्या है, जल, तो आइए देखते हैं जल के बारे में। जल अगर ना हो जल ही जीवन है, किसी ने कहा है तो ये बात बिल्कुल सत्य है। किसी भी जीव का जल के बिना उसकी संकल्पना करना ही गलत है। जल से ही पृथ्वी में भी 71% जल है, पृथ्वी का 29% भाग पर भूमि और 71% भाग पर जल है। 71% भाग का 2.4% जल ये हमें स्वच्छ जल है, ये स्वच्छ जल हमें नदियों तालाबों पोखरों झीलों इनसे प्राप्त होता है और ये सब चीज़ों में स्वच्छ जल की मात्रा आती है। यहाँ तक कि जल हमें जो प्राप्त होता है, पौधों को जल मृदा से प्राप्त होता है, जंतुओं को जल इन्हीं स्रोतों से प्राप्त होता है। जल हमारे शरीर का प्रमुख अवयव है, शरीर का संगठन जल के गुणों पर निर्भर करता है, गुणों पर ही आधारित होता है पूरी तरीके से। जल हमारे शरीर में जल की मात्रा सर्वाधिक, आपको पहले पिछली प्रोटीन में पढ़ाया था कि जल और प्रोटीन दो ऐसे पोषक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। जल हमारे शरीर में 57 से 65% तक पाया जाता है जबकि प्रोटीन 14% तक पाई जाती है। जीव तंत्रों के जो भी हमारा शरीर है, उस शरीर के जितने भी भाग हैं वो सभी भाग, चाहे आप कोई भी भाग ले लो, वो बिना जल के नहीं बनता है। अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इसी प्रकार रुधिर, जैसे कि रुधिर प्लाज्मा, प्लाज्मा हमारे शरीर में रुधिर का एक भाग होता है, प्लाज्मा रुधिर में 40% होता है और इस 40% का अकेले 90% तो अकेले जल होता है अकेले प्लाज्मा में। लसिका ग्रंथियां होती हैं हमारे शरीर में, मूत्र में भी जल की मात्रा सर्वाधिक होती है, बाकी अन्य उसमें यूरिक अम्ल होते हैं, यूरिया होता है, कोशिका द्रव्य
जीव द्रव्य, पसीना, ये सभी जो वाष्पन की क्रिया के फलस्वरूप पसीना हमारे शरीर में त्वचा में निकलता है, त्वचा से निकलता है, श्वेत ग्रंथियां होती हैं, श्वेत ग्रंथियों से निकलने वाला पसीना, इसमें भी जल की मात्रा ही सर्वाधिक होती है। और जो कुल मिला के अगर हम कहें तो वसा जो है, सॉरी जल जो है, वो हमारे शरीर में जल की मात्रा हर अंग में अलग अलग पाई जाती है। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का महत्वपूर्ण माध्यम जल है। अपशिष्ट पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी आवश्यकता शरीर में नहीं होती है, तो उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अत्यधिक आवश्यक होता है, जैसे कि पसीना, नॉर्मल सा एग्जाम्पल है पसीना, मूत्र, तो ये अपशिष्ट पदार्थ हैं। वाष्पन की क्रिया के फलस्वरूप ये निकलते हैं, मूत्र हमारा निकलता है, किडनी के द्वारा निकलते हैं, मूत्र का संयोजन होता है, तो ये सभी डायरेक्ट नहीं निकल सकते, बिना जल के ये नहीं निकल सकते। तो जल हमारे शरीर में अत्यधिक उपयोगी है, और यदि जल नहीं होता है तो जल की वजह से ही पता चलता है। यदि मूत्र का रंग जो होता है वो हल्का पीला होता है, नॉर्मल मूत्र, अगर मूत्र का रंग रंगहीन है तो आप समझ सकते हैं कि आपके शरीर में जल की मात्रा ठीक है। लेकिन अगर मूत्र का रंग यदि डार्क पीला, डार्क येलो हो जाता है, तो आपको समझना चाहिए उस जगह पर आपके शरीर में पानी की मात्रा कम होती जा रही है। विभिन्न आनुवंशिक रोगों में भी अलग अलग मूत्र का रंग अलग अलग बदलता रहता है। ये सभी कुल जो मूत्र निकलता है इसमें जल की मात्रा ही होती है, सर्वाधिक जल का संगठन होता है। जल अन्य पदार्थों की तुलना में देर से गर्म या ठंडा होता है। जल जो है वो कई पदार्थ होते हैं, उन पदार्थों की तुलना में वो देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि जल हमारे शरीर, इसीलिए जल हमारे शरीर के ताप को पसीना तथा वाष्पन द्वारा नियंत्रित करता है। यदि हमारे शरीर में पसीना नहीं निकलेगा तो हमको समस्या उत्पन्न हो जाएगी, तो अंदर हमारी त्वचा से संबंधित दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं। जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होता है, इसके नीचे जल ठंडा होने लगता है, इसके ऊपर जल गर्म होने लगता है, यहाँ से टेम्परेचर जल का चेंजमेंट हो जाता है। यानी जल की एक आदर्श अवस्था मान लें 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। जल की विद्युत चालकता अपेक्षाकृत जो होती है वो कम होती है, किंतु जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। यहाँ पर जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो अलग होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा भी जल की अलग है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा आप सभी लोग जानते होंगे वो 540 होती है कैलोरी प्रति ग्राम। क्वथनांक, गलनांक जल का अलग अलग है, अधिक होता है। ये सभी अन्य पदार्थों की तुलना में ही अधिक होते हैं। हमारे शरीर में जल की मात्रा का जो नियमन, जल को जो कंट्रोल करता है वो ब्रक करता है। पूरे शरीर में रक्त को छानने का, रक्त को शुद्ध करने का जो कार्य करता है वो भी हमारा जल करता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा वसा और जल के बारे में, तो वसा और जल के बारे में दो विभिन्न पोषक पदार्थों के बारे में पढ़ा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग विटामिन के बारे में। ये आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जल, इनसे संबंधित आपको कोई भी समस्या हो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसीलिए साथ में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएंगी। जिन लोग, जिन अभ्यर्थियों ने नहीं देखा है वो लोग वहां पर जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।